नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो कि लखनऊ से है। सीएम योगी आदित्यनाथ का राजस्थान दौरा आज रहने वाला है। 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ में सीएम योगी की जनसभा होगी। भीलवाड़ा और उदयपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है, राजस्थान में चुनाव जिसको देखते हुए काफी अहम ये दौरा। हालांकि भीलवाड़ा और उदयपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 4 जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बता दें कि राजस्थान दौरा आज सीएम योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है और इस दौरान जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने सीएम योगी का राजस्थान दौरा। डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ में होगी जनसभा, भीलवाड़ा और उदयपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इस पर विस्तार से जानकारी के साथ पवन सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो पवन से ही जान लेते हैं। पवन, क्या अपडेट? सीएम योगी राजस्थान दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ उनके कार्यक्रम? देखिए प्रियंका, आज योगी आदित्यनाथ का राजस्थान दौरा लगा हुआ है। वहाँ 4 जगह आज उनकी जनसभा होगी। और आपको बता दें, सबसे बड़ी बात है कि लगातार योगी आदित्यनाथ की जनसभा राजस्थान में लग रही है। इससे पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी इनके दौरे लगते रहे हैं। योगी की मांग सभी विधानसभाओं में लगातार बनी रहती है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की जनसभा हमारे क्षेत्र में लगे, क्योंकि योगी के जाने के बाद से बहुत सारे लोग उनको सुनना चाहते हैं, उनको जानना चाहते हैं। योगी का जो मॉडल है, उस मॉडल को लोग समझना चाहते हैं कि किस तरह का काम करने का तरीका है, किस तरह से उनका नजरिया है। यह पूरे देश में, पूरी दुनिया में अलग तरह की एक छवि उभर के सामने आई है, जो योगी आदित्यनाथ की छवि है। इसी को लेकर के राजस्थान में आज 4 जनसभा को संबोधित करेंगे। इन 4 जनसभाओं में योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए काफी संख्या में लोग आते हैं। और वहां पर इससे पहले अन्य कई और विधानसभाओं में इनकी जो है जनसभा लगाई गई है। सबसे बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद जिस तरह से कानून का राज कायम किया है, उन्होंने काम किया है, जीरो टॉलरेंस का काम किया है, बुलडोजर का एक अलग फंडा निकाला, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उत्तर प्रदेश में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। पूरे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अपना कार्यकाल पूरा किया है और दूसरे कार्यकाल में जिस तरह से उनके कार्य शैली है, कार्य क्षमता है, उसको पूरी देश और दुनिया में सराहा जा रहा है। इसके अलावा अन्य प्रदेश के अन्य सीएम इनकी जो कार्य प्रणाली है उसको अडॉप्ट करने के लिए अपने यहाँ उसकी रणनीति जो है अपनाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो माफियाओं का काकस था उसको तोड़ने का काम किया है। अगर कहीं कोई त्रुटियां होती है, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। इन सभी चीजों को लेकर के पूरे अन्य प्रदेशों में लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह का माहौल है और किस तरह का काम योगी आदित्यनाथ करते हैं। और लोग ये चाहते हैं कि हर आदमी अमन चैन की जिंदगी जी सके। वहां पर उनको खौफ भरी जिंदगी किसी को भी पसंद नहीं होती है। इसको लेकर के सभी लोग अपने प्रदेश में यह उम्मीद करते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो कार्यशैली अपना रहे हैं, उस कार्यशैली को अन्य प्रदेशों में भी मुख्यमंत्री अपनाएं। और वहां पर भाजपा की सरकार आती है तो ऐसा माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ की जो भी सफल प्रयोग रहे, उस प्रयोगों को वहां पर इंप्लीमेंट और धरातल तक उतारा जाएगा। जी प्रियंका, बिल्कुल पवन जी। और हालांकि हम देखें तो हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है सीएम योगी, और यही वजह है कि उनकी डिमांड भी हम देखें तो अलग अलग राज्यों में रही है, और अब उनका राजस्थान दौरा है और जनसभा तो करेंगे ही, साथ में जो पार्टी प्रत्याशी हैं और जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भरने का काम या जीत का मंत्र देने का काम भी सीएम योगी करेंगे। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ के जाने के बाद जो उत्साह और उमंग लोगों में, कार्यकर्ता में और वहां वोटर में होता है, उसको देखने के बाद बहुत सारे जो और अन्य प्रत्याशी विधानसभा या वोटर हैं, उनको सुनने के बाद उनको लगता है कि नहीं, उनमें अलग से जोश उत्पन्न हो रहा है। योगी आदित्यनाथ का जो भाषण है, योगी आदित्यनाथ का जो कार्यशैली है, वो जहां भी जाते हैं वहां पर एक अलग उत्साह और उमंग भरते हैं। इससे पहले भी कई जो जनसभाएं उन्होंने संबोधित किया है उन जनसभाओं में, और इन्होंने
कहीं भी जो जनसभा की है जिस क्षेत्र में, वहां पर वोट परसेंटेज पूरी तरह से बढ़ा है। इससे पहले भी जिन जिन राज्यों में सरकार जो है वहां इलेक्शन हुई है, वहां पर योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया और उसका जो प्रतिशत है उस प्रतिशत में काफी इजाफा हुआ है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम रहे हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ ने अपनी जो है कार्य क्षमता से पूरी तरह से धरातल पर जो सरकार की नीतियां हैं, रणनीति है, उसको उतारा था। वही रणनीति लोग अन्य प्रदेशों में भी वही चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से लोगों को सुकून और अमन चैन की जिंदगी की स्थिति उत्पन्न किए हैं, उस तरह से पूरे अन्य प्रदेशों में भी उसकी स्थिति को लोग पसंद करना चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल पवन जी, हालांकि देखने वाली बात होगी कि इन जनसभाओं का असर जनता पर कितना होता है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।